तो गाइस सबसे पहले हमने लिया है 4 से 5 मिर्ची, हरी मिर्ची और दालचीनी है, और 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और ये जावित्री है, और ये फूल है, और 4 लौंग है, और 10 से 12 गोल मिर्च है, और 1 चम्मच जो है जीरा है, और थोड़ा सा कटा हुआ जो है अदरक है, और ये कोतमीर है, और ये पुदीना है, दही है, हस्बजाइव का नमक है, और आधा चम्मच जो हल्दी है, और लहसुन है। ये सब जो सारे हैं हम एक बॉयल में डाल के पीस लेंगे अच्छे से, इसका हम जो है पेस्ट बनाएंगे। उसके अलावा हमने लिया है कान चॉप किया हुआ 3 मीडियम साइज का, और हमने 600 से 700 ग्राम जो है चिकन लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाते हैं। तो सारा हमने इसमें ऐड कर लिया है, तो हम इसका जो है पेस्ट बनाएंगे सबसे पहले। और ये दही है हल्का ग्राइंड हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें दही ऐड करके जो है इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो गाइस हमने इसका पेस्ट बना लिया है, तो इसको हम जो है प्याले में निकाल लेंगे। इसके बाद हम स्टोव चालू करेंगे और तेल को गर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चम्मच जो है घी डालेंगे। तो सबसे पहले हम कांदा डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तब हम इसमें जो है कड़ी का पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब जो है इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। तो गाइस आज हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन हैदराबादी स्टाइल में, जो बहुत ही लाजवाब होता है खाने में और बहुत ही टेस्टी भी होता है, और ये बहुत ही सिंपल है। जितने भी डिश मैं आपको बता रहा हूँ सब सिंपल ही सिंपल डिश है, कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है इसमें। अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही लाजवाब खाना मिलेगा खाने के लिए। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए हमें, तो हम आपको बताएंगे किस तरह बनाना है। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। तब हम नमक ऐड करेंगे इसमें, और ग्रीन मसाला भी जो हमने पेस्ट बनाया था शुरू में, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हमने मसाला ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम कवर करके जो है 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, और हम फ्लेम को लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम भी रखेंगे चलेगा, लेकिन हम लो पे बनाएंगे इसे। तो गाइस हम लास्ट में जो है इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, क्रश करके डालना है ऐसे करके, और वापस इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर आपको इसमें जो है ग्रेवी की आवश्यकता है तो इसमें पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें तो ग्रेवी कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम नहीं डालेंगे कुछ भी। अभी 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो गाइज हमारा चिकन हो चुका है रेडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।